नमस्कार, मैं अर्जुन खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर आ रहे हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रिवर्स टैक्स का विरोध करने से पहले व्यापारी सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं के अस्पताल में श्रमदान, मरीजों ने जताया संतोष। वार्ड नंबर 7 में वाल्मीकि समाज ने संभाली सफाई व्यवस्था। त्योहारी सीजन है लेकिन धान मंडियों में हड़ताल है। रिवर्स टैक्स का विरोध कर रहे हैं व्यापारी भी उद्यमियों के पक्ष में हैं। खास बात है कि तोला और धान का मजदूर भी व्यापारियों के साथ हैं। ऐसे में गुरुवार को व्यापारियों और मजदूरों ने एक साथ कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की। कॉटन व्यापारियों को रिवर्स टैक्स की चिंता है तो तोला मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने का मलाल है। सबके सब परेशान हैं। मंडियों में हड़ताल के चलते मजदूरों की हालत और खराब हो गई है। किसान भी हड़ताल से उबरते हुए नरमा कपास के साथ पड़ोसी राज्यों की मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे व्यापारियों की चिंता तेज हो गई। सबके सब मिलकर कलेक्टर पीसी किशन से मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारी नेता आशीष हिसारिया, अमृतलाल गर्ग, सोमप्रकाश अग्रवाल, अमरनाथ सिंगला, पदमचंद जैन और गोपाल जिंदल आदि ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही रिवर्स टैक्स पर निर्णय नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे। के सभी व्यापारी, सभी धान का भाई और तोला भाई, रिवर्स टैक्स जो कि सरकार ने व्यापारियों पर थोपा है उसके निदान के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो अर्थ है और हमारे तोलों की तुलाई है, जो भी सरकार ने अपने गलत फैसलों से रोक रखी है, हम इस ज्ञापन की मार्फत सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि आप व्यापारियों के साथ खिलवाड़ मत करें और तुरंत प्रभाव से हमारी आड़त और तुलाई हमें दिलाई जाए और जो रिवर्स टैक्स है उसके बारे में भी ऐसा उचित फैसला किया जाए ताकि सभी फैक्ट्रियों को उनकी राहत मिले और इसके साथ साथ जो पूरे किसान वर्ग को और सरकार को जो माल राजस्थान से बाहर पंजाब हरियाणा की मंडियों में जा रहा है वो रोका जाए, आर्थिक नुकसान बंद किया जाए। की मीटिंग होगी, इसके बाद जैसा भी डिसीजन हो रहा लिया जाएगा। हमारे व्यापारी रेट की डिमांड है कि जल्दी से जल्दी बोली चालू करवाई जाए जिससे जमींदार, व्यापारी, मजदूर भाई सब टोटा मिल सके। हाँ जी, रिवर्स टैक्स के कारण जो किसान है बहुत परेशान है। रोज ब्याज पड़ रहा है, क्या करें जी। नर्मा लेकर आ जाते हैं, आगे कोई व्यापारी नहीं है। जो ले रहे हैं वो कोई 3,000-3,500 ले रहे हैं। समझ से बाहर हो रहा है हमारे, तो हम क्या करें और किस कुएं में पड़े। बसुंधरा हम बोल रहा है, मजदूर हमारा को काम नहीं मिलेगा, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, मजदूर लोग कहाँ जाएगा। अब प्रधान, अब मुख्यमंत्री बन गई है, बना दिया है लोगों ने, हम कहाँ जाएंगे लेबर मजदूर कहाँ जाएंगे। जब बनिया माल नहीं खरीद कर रहा तो हमारे को कौन देगा रुपया। आप हो, अब नहीं करोगे तो काम ऐसे कैसे चलेगा, अगले साल कैसे चलेगा, अगले साल कैसे बैठाऊंगा। जिंदाबाद। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं का श्रमदान जारी है। उन्होंने गुरुवार को टाउन जिला राजकीय अस्पताल में फिर श्रमदान किया। सीवार में झाड़ू लगाई और फिनाइल की खास सफाई की। राजकीय जिला अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ताओं का सफाई अभियान जारी है। उन्होंने गुरुवार को विधायक डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में सी वार्ड को साफ किया। भाजपा नेता अमित साहु और उनकी टीम ने पहले तो झाड़ू लगाई, फिर फिनाइल से फर्श धोकर वार्ड को चकाचक किया। हमने स्वच्छता अभियान के तहत राजकीय चिकित्सालय के सी वार्ड की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सफाई की। इसमें हमने फिनाइल तेजाब से जो गंदगी जमा थी काफ़ी समय से, उसको साफ किया, जैसे कि जो मरीज हैं उनको एक स्वच्छ माहौल मिल सके, उनके स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो। भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों के बेहतर परिणाम नजर आ रहे हैं। मरीजों ने भी सफाई व्यवस्था में सुधार पर संतोष जताया। उनका कहना था कि जब एडमिट हुए तो हालत खराब थी, लेकिन अब काफी संतोषजनक स्थिति है। मैं पहले दिन आया था यहाँ जी, बहुत गंदी हालत थी और अब काल की बहुत बढ़िया हालत। दो दिन हो गए, सफाई जब चालू हुई है बहुत बढ़िया है। बेड पर ही हम खाना खाते हैं, बेड पर ही बैठे रहते हैं।
हाँ पहले जी 4 दिन हो गया हमने आए अठा की हाथों नहीं लगता बच्चों है छोटो सो कोई पानी नहीं पीतो अब बहुत बढ़िया है अब तो बच्चों ही का मम्मी बहुत सफाई है आपका धन्यवाद जी इतनी सफाई करी हो अड़की कौन हो सीमित नहीं है स्वच्छ भारत अभियान की धूम वार्डों तक पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 7 में भगवान वाल्मीकि युवा शक्ति की टीम ने सड़कों की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया ये है हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 7 के वाशिंदे भगवान वाल्मीकि युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने वार्ड को चमन बनाने का संकल्प लिया इसके तहत वे वार्ड में विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं मणिराम वाल्मीकि के नेतृत्व में छोटू सिंह और पारितोष सारस्वत आदि ने सड़कों और नालियों को साफ किया समाज में मिलकर मणिराम जी वाल्मीकि के नेतृत्व में आज वार्ड नंबर 7 में सफाई की और घर घर जाकर संदेश दिया कि सफाई का सदैव ध्यान रखें पॉलीथीन का उपयोग ना करें और कचरे को ज़्यादा एकत्रित ना करें घर में डस्टबिन का यूज करें और घर घर जाकर ये सफाई का संदेश दिया नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है हम अपने आप को पहले साफ करेंगे तो हमारा देश भी पूरा जो है सफाई में स्वच्छ बनेगा तो सभी से हमने अपील की है कि आगे भी आप अपने गली मोहल्लों को साफ रखें ताकि नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है वो पूरा हो तो हम स्वच्छ भारत के लिए हम सभी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और घर घर जा करके लोगों को इसके समझा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता गुरुवार को शुरू हुई माता किताब को और महाविद्यालय में शुरू प्रतियोगिता में करीब 10 टीमें भाग ले रही हैं। पूर्व कुलपति डॉक्टर विताय ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया हनुमानगढ़ टाउन स्थित माता किताब कौर महाविद्यालय में गुरुवार को शुरू हुई यूनिवर्सिटी स्तर की सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता मुख्य अतिथि थे बीकानेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर विमलेंदु तायल उन्होंने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता में लड़कों की 7 और लड़कियों की 3 टीमें भाग ले रहे हैं कॉलेज के प्रबंध निदेशक भूपेंद्र लांबा के मुताबिक राजस्थान कॉलेज फॉर एजुकेशन और डूंगर कॉलेज के बीच उद्घाटन मैच हुआ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता लड़के और लड़कियां दोनों की यहां माता किताब कौर कॉलेज के अंदर हो रही हैं जिसमें लड़कों की 7 और लड़कियों की 3 टीमें भाग ले रही हैं अभी तायल साहब द्वारा उद्घाटन हो चुका है मैच का पहला मैच स्टार्ट हो रहा है और शाम तक ये मैचेस चलेंगे जो बचेंगे सेमीफाइनल फाइनल वो कल होंगे और यहीं से यूनिवर्सिटी टीम का सिलेक्शन होके ऑल इंडिया इंटरनेशनल के लिए टीम बन के जाएगी और आशा रखते हैं कि यहाँ की टीम ऑल इंडिया इंटरनेशनल में भी बीकानेर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें जिसमें आज उद्घाटन मैच में राजस्थान कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन जंडावाली व डूंगर कॉलेज बीकानेर के मध्य ये उद्घाटन मैच है जिसका उद्घाटन हमारे माननीय चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड डॉक्टर तायल साहब ने किया है भादरा के बोझरा व डुंगराना गांव के बीच कार में सवार लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर एक ट्रॉले को लूट लिया बाद में लुटेरे ट्रॉले चालक के गोली मारकर फरार हो गए ट्रॉला उदयपुर से खाद लेकर हरियाणा के फतेहाबाद जा रहा था पुलिस मामले की जाँच में जुटी है भादरा थाना अंतर्गत बोझला व डुंगराना गांव के बीच बुधवार सुबह करीबन 4 बजे कार में सवार 4 बदमाशों ने हथियारों की नोक पर ट्रॉले के चालक रामलाल निवासी जयपुर से 50,000 रुपए नकद व मोबाइल लूट लिया विरोध करने पर उसके गोली मार दी जो रामलाल की दाहिनी जांघ को चीरते हुए बाएं पैर में घुस गई घटना के तुरंत बाद ट्रक के खलासी चैनाराम वहां से गुजरने वाली मटोरिया बस सर्विस में घायल को भादरा के राजकीय चिकित्सालय में दाखिल करवाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद गोली उसके पैर में होने के कारण उसे हिसार रेफर कर दिया गया घटना की सूचना मिलने पर भादरा पुलिस थानाधिकारी रिछपाल चारण राजकीय चिकित्सालय व घटना स्थल पर पहुंचे और मुआयना किया गोली लगने से घायल रामलाल ने बताया कि वह उदयपुर से खाद लेकर ट्रॉले में हरियाणा के फतेहाबाद जा रहा था तभी बोझला गांव के निकट सफेद रंग की कार में सवार होकर आए 4 युवकों ने ट्रॉले के आगे कार लगाकर ट्रॉले को रुकवा दिया उस समय खलासी चनाराम ट्रक चला रहा था युवकों ने ट्रक में चढ़कर पिस्तौल तान दी और विरोध करने पर रामलाल की गोली मार दी
दो युवकों के पास पिस्तौल थी, ट्रक अजमेर के किशनगढ़ का बताया गया है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। कुछ समय पूर्व भी डुंगराना व गांधी बड़ी के निकट बदमाशों ने कार व कार मालिक को लूट लिया था। आज तक पुलिस उन कार व लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। सरकारी हॉस्पिटल बादरा से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोटग्रस्त हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। कार्रवाई हेतु पूछे, जिस पर मन एएसआई में मुलाजमान के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा, पता किया तो उक्त व्यक्ति ट्रक चालक नौफे सुरजाराम जाति मीणा निवासी मोरडा जिला जयपुर का होना मालूम हुआ। वह जिसके साथ खलासी चैनाराम सनोप सोनीराम जाति जाट निवासी रूपनगढ़ होना पाया गया। चैनाराम ने बताया कि आज सुबह 3:30 बजे हम सावा से फतेहबाज ट्राला नंबर से खाद भरकर फतेहबाज जा रहे थे। सावा से 3:30 बजे रवाना होकर डुंगराना व बोझला के बीच पहुंचे तो पीछे से एक कार जिसमें 4 व्यक्ति सवार होकर आए, जिनको हमने साइड देने के बाद उन्होंने कार को आगे टेढ़ी खड़ी की और पिस्तौल व एक छोटी बंदूक दिखाया। वह कहा कि आपके पास जो कुछ है निकाल दो। तब रामलाल ने उनका विरोध किया तो रामलाल के जांग में और बाईं पिंडली के चोट लगी। फिर स्याही साहब भी मौका पर पहुंचे, हॉस्पिटल भी पहुंचे, मौका पर भी पहुंचे, उच्च अधिकारियों सूचना दी। नाकाबंदी हरियाणा के सीमावर्ती थाना क्षेत्र और राजस्थान में जिला हनुमानगढ़ चूरू में नाकाबंदी करवाई गई। सर, हम उदयपुर से आ रहे थे और फतेहाबाद की तरफ हम जा रहे थे, तो अपने ये बीच में गांव पड़ता है बादरा से पहले बोधला गांव, वहाँ पे हमारी घटना घटी। वहाँ क्या कि एक जीप वाले आ रहे थे सफ़ेद कलर की, तो वो उन्होंने रोका, पीछे से आके आगे आड़ी लगा दी गाड़ी, तो फिर हमने रोक ली गाड़ी। मैं तो सो रहा था, तो मेरे साथ वाला था, वो उसने रोक ली गाड़ी, तो फिर वो उन्होंने ऊपर चढ़ गए और मैंने उठा, तो फिर वो हमारे पिस्तौल लगा दी। फिर हमारे पास जो इतने पैसे थे ना, उन्होंने 50,000 रुपये वो उन्होंने लूट के ले गए। स्वर्गीय मैना देवी ओझा पत्रकारिता व साहित्य पुरस्कार समारोह के गार्गी कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर भरत ओला ने की। कार्यक्रम में साहित्य के लिए राम स्वरूप किसान व पत्रकारिता के लिए मुकेश पारिक और रोहिताश सैनिक को पुरस्कार दिया गया, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 3100 रुपए नगद, प्रतीक चिन्ह, श्रीफल और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक शरद कविराज ने कहा कि किताबें मनुष्य के जीवन को संवारने में अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए मनुष्य को किताबों को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से इसमें भागीदारी निभाने की बात कही। कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति का धन्यवाद करते हुए कहा कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने से प्रतिभाओं की हौसला अफजाई होती है। विधायक अभिषेक माटोरिया ने कहा कि स्वर्गीय रामकुमार ओझा सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे, उनकी प्रत्येक रचना में सामाजिक सरोकार झलकते हैं। उन्होंने पत्रकारों और साहित्यकारों को समाज का आईना बताते हुए कहा कि दोनों अपनी कलम के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि नौहर क्षेत्र में अनेक पत्रकारों और साहित्यकारों ने कस्बे का नाम रोशन किया है। डॉक्टर भरत ओला ने कहा कि साहित्यकार सकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है। साहित्यकार व पत्रकार समाज को संस्कारित करने के अलावा कुरीतियां मिटाने में भी अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। पालिका अध्यक्ष बाबूलाल खाती ने कहा कि स्वर्गीय रामकुमार ओझा ने जीवन पर्यंत अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को नई सोच और दिशा देने का कार्य किया। तहसीलदार कपिल उपाध्याय ने कहा कि पुस्तकें हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचार ने कहा कि स्वर्गीय ओझा की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष बलवीर सुथार ने कहा कि पत्रकार व साहित्यकार समाज की ज्वलंत समस्याओं को उठाने में अहम योगदान देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन छाजेड, साहित्यकार हनुमान प्रसाद दीक्षित ने कहा कि स्वर्गीय रामकुमार ओझा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव सामाजिक लड़ाइयां लड़ी। साहित्यकार रामस्वरूप किसान ने कहा कि वर्तमान में किताबों की हो रही उपेक्षा को चिंतनीय बताते हुए कहा कि एक लेखक के लिए उसके पाठक का होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से ज्यादा साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने की बात कही। पत्रकार मुकेश पारिक ने कहा कि पुस्तकें मानव के विकास में सहायक हैं। पत्रकार रोहित आश्य सैनी ने पुस्तकों के बिना मानव जीवन को अधूरा बताया। कार्यक्रम आयोजक सुमन ओझा ने पधारे अतिथियों व नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए स्वर्गीय रामकुमार ओझा के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कमल ओझा, राजीव ओझा, आशुतोष ओझा, सुमन ओझा ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्रा सोनू स्वामी, वर्षा जागीर, मानसी पारिक को उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने और बालिका सुरभि तिवारी को उसकी रचना के लिए सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अतिथियों ने स्वर्गीय रामकुमार व मैना देवी ओझा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जागो और देश की बागडोर अपने हाथ में, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, बुराई, नोक झोंक, काट पास, इन सब चीजों को छोड़कर आज का युवा किस प्रकार आगे बढ़े, ये सारी बातें मैंने ओझा जी की पुस्तकों में पढ़ी और बहुत बार प्रेरणा मिली। समय चाहे कितना ही मिले, उन पुस्तकों को पढ़कर निश्चित रूप से आज का युवा प्रेरणा लेता है और प्रेरणा लेने के साथ साथ अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी हम उसी प्रकार से करें जो हम पढ़ते हैं। खासतौर से यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग ये कहते हैं कि अगर एक लड़की शिक्षित हो जाती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो हमारे को सबसे पहले एक पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन की आवश्यकता है। पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन का वो मतलब होता है कि जो खाली देखता नहीं है वो कुछ करता भी। और इस कड़ी में जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो इतना पावरफुल वेपन है कि अगर कोई भी सिटीजन किसी भी चीज़ से नाराज है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहता है तो उसको उसके माध्यम से जानकारी मिल सकती है। मेरा आग्रह है, क्योंकि ये एक शिक्षा का मंदिर भी है जहाँ मैं खड़ा हूँ, सभी लोग एक कंपलसरी एक्टिविटी के रूप में कोई भी साधारण सी सूचना सरकार से आवश्यक रूप से मांगे, इसको एक सिलेबस का ही पार्ट बना दें। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। यहाँ पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नोहर में बुधवार को अंदर के साथ तेज बारिश हुई। बारिश के दौरान ओलावृष्टि होने से किसानों की पकी फसल तबाह हो गई। कई गांव में ग्वार की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। किसानों ने SDM को ज्ञापन सौंप कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। नोहर में बुधवार को तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से क्षेत्र के अनेक गाँव में फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। इस ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। गांव असरचाना में इस ओलावृष्टि से ग्वार की पकी फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो गई। किसानों ने इस नष्ट हुई फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की है। वहीं गांव अड़की, मालिया, लखासर, डूमासर के ग्रामीणों ने बुधवार को हुई ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने और मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर किसानों ने खराब हुई फसल के बूंटे उपखंड अधिकारी को दिखाए। किसानों ने बताया कि बुधवार तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि पकी फसलों पर कहर बनकर बरसी, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। काश्तकारों ने बताया कि इस बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे उनके सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई है। किसानों ने इस ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का सर्वे करवाकर शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की है। कौन छोड़ो सफाई कर दियो बिल्कुल, और बिरका तो मतलब आधी जमीन 70% जमीन मानो बिल्कुल काटने कोई काम को नहीं, बड़ा जाके देखे तो मतलब रोनो आवे। आपकी मांग क्या है? क्या मांग? मांग तो माने सरकार देखी मुआवजा दे तो मुआवजा मांगा मैं तो, और करके इकट्ठे हुए हैं कि इलाके के 10-12 गांवों के अंदर जिनमें इड़की है, मालिया है, डुमासर है, गोरखाना है, क्रमशाना है, बिरकाली है, असरजाना सहित तमाम गांवों के अंदर ओलावृष्टि से पूरी की पूरी फसल तबाह हो चुकी है। और ये किसान इस प्रशासन से मांग करता है कि जल्दी सर्वे करके और मुआवजे का ऐलान करें, नहीं तो इलाके का किसान फिर खड़ा होगा और आंदोलन के द्वारा भी हम सरकार को मनाने की। दीपावली के उपलक्ष्य में मरीजों को खास तोहफा, जी हाँ, रेनबैक्सी लैब की ओर से लिपिड प्रोफाइल जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें मरीजों की निशुल्क जांच सुनिश्चित की जा रही है। पहले दिन करीब 75 सैंपल लिए गए। रेनबैक्सी लैब मुंबई की ओर से गुरुवार को निशुल्क लिपिड प्रोफाइल जांच शिविर लगाया गया। इसमें पहले दिन करीब 75 मरीजों की जाँच की गयी और सैंपल लिए गए। यह शिविर 30 नवम्बर तक चलेगा। महावीर लैब टाउन में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी पूरे, और इसमें हम हृदय की जांच, जो खून द्वारा खून में जो चर्बी होती है उसकी जांच कर रहे हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल टोटल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल की जांच की जा रही है, बिल्कुल निशुल्क की जा रही है दीपावली के शुभ अवसर पर। आज हमने लगभग 75 पेशेंट का सैंपल लिया है और डेली खूब सारे मरीज आ रहे हैं, इसमें खाली पेट आना जरूरी होता है। लंच क्लब डायमंड का सेवा सप्ताह गुरुवार को समाप्त हुआ। इसके तहत प्रतिदिन सदस्यों ने सेवा कार्यक्रम चलाकर लोगों को राहत पहुंचाई। सदस्य प्रदीप शेरवाला के मुताबिक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का आशीष मिला, जिससे काफी खुशी मिली। लॉयंस क्लब डायमंड की ओर से टाउन में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का आगाज हुआ था, जिसका गुरुवार को समापन हो गया। क्लब के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप शेरवाला, अध्यक्ष राम कुमार स्वामी आदि ने इसके तहत रोजाना कार्यक्रमों का संचालन किया। नियमित रूप से आयोजित सेवा कार्यक्रमों को लेकर सदस्यों में खासा उत्साह देखा गया। समापन कार्यक्रम हुआ अरुणवंश सभा द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में। उससे 8 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया और आज सेवा सप्ताह के समापन पर आज वृद्धाश्रम पर हमारे क्लब द्वारा सभी वृद्धजनों को वस्त्र वितरित किए गए, उन्हें फलहार वितरित किए गए और साथ ही उन्हें भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही डॉक्टर अनुज जांगिड़ और डॉक्टर मोनिका जांगिड़ द्वारा सभी वृद्धजनों का चेकअप किया गया तथा उचित परामर्श दिया गया। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर वाल्मीकि समाज टाउन द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गो से होकर गुजरी। बैंक के दूर पर थिरकते समाज के लोगों ने भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को धूमधाम के साथ मनाया। वाल्मीकि प्रगट दिवस पर वाल्मीकि समाज टाउन द्वारा बुधवार रात्रि भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा वाल्मीकि चौक टाउन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के दौरान विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई। इस दौरान आकर्षक झांकियां सजाई गई। बैंड की धुन पर नाचते गाते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने उत्साह से शोभा यात्रा में भाग लिया।
बालाजी भजन मंडल टाउन द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। महावीर दल धर्मशाला टाउन में दूसरे वार्षिक महोत्सव के तहत सुंदरकांड पाठ किया गया। पाठ के दौरान बालाजी के भजनों का गुणगान भी किया गया। पूरे रखवारे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी क्लब द्वारा सालासर से आने वाले यात्रियों के लिए विशाल भंडारा लगाया गया। टाउन बजाज पेट्रोल पंप पर पूर्णिमा के अवसर पर सालासर से आने वाले यात्रियों के लिए भंडारा लगाया गया। भंडारे में यात्रियों के लिए चाय, दूध, नाश्ता, खाना आदि की व्यवस्था की गई। भंडारे में भाजपा नेता अमित साहू ने भी यात्रियों की सेवा की। बालाजी क्लब द्वारा भंडारा है जी, और ये काफी सालों से लग रहा है, और इस भंडारे में सालासर से जो यात्री बसों से वापस आते हैं उनके लिए भंडारा लगाया जाता है, और इस भंडारे में हम चाय, दूध, ब्रेड, बिस्कुट और मेडिसिन, खीर और फल सभी चीज की व्यवस्था करते हैं। ये भंडारा जन सहयोग से लगता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।